आपके और मेरे जिन में एक ही बात हो लत से अपने टॉपिक पे रिव्यू लिखना है तो आप जो प्रॉम्प्ट लिखेंगी वो और होगा जो मैं लिखूंगा और दोनों का रिस्पॉन्स फर्क होगा देखुँ। 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 ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आज लोगों से कहना शुरू करूं कि यार लालटेन की लाइट में जो पढ़ाई होती थी ना उस मेहनत का जवाब नहीं तो आप ऐसा है कि तुमने आज लालटेन रख के पढ़ा करना है ये लाइटें वाइटें आ गई हैं लेकिन इनको दफा करो इनकी जरूरत नहीं ऑगमेंटेड क्लासेस जो है या ये जो वर्चुअल रियलिटीज़ क्लासरूम्स आप बिल्ड करते हैं, हैं, इनका प्लॉट तो टीचर नहीं बनाना। कुछ अब तो रिसर्च जर्नल्स उन्होंने तो बकायदा कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपने इन का किसी भी टूल का इस्तेमाल किया है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करें एज को ऑथर मैंने देखी है ना चैट जी पी टी उनका को है। तो मैंने कहा थोड़ा सा तो जब मैं मैथमेटिक्स में पब्लिकेशन करूँ तो कैलकुलेटर को अपना कुआथर लिखना चाहिए बिल्कुल <laughs> और उससे भी बहुत पीछे चला जाऊँ जिस जमाने में हम वो कलम से लिखा करते थे तो, तो उस जमाने में अगर मैंने टाइपिंग आ गई थी तो टाइपिंग को अपना कुआथर बनाना चाहिए मुझे जो स्टूडेंट का स्पैन ऑफ अटेंशन है नई टेक्नोलॉजीज ने तो उसको बड़ा शॉर्ट कर दिया मुझे ये लगता है बिकॉज इफ़ आई शेयर द एग्जाम्पल एट वर्चर यूनिवर्सिटी तो अगर आप पुराने वाले लेक्चर्स देखें तो उनकी जो लेंथ थी वो एक क्लास रूम टीचिंग की लेंथ थी लाइक इट्स फॉर फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स अब वो हम मॉड्यूल बेस टीचिंग मैथडोलॉजी के ऊपर आ गए हैं विच इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप दस पंद्रह मिनट में बारह मिनट में अपने मौजूक को समेटे है. और उसके बाद आ, कुछ टेक्नोलॉजी जिसमें टिक लीड कर रहा है बहुत से यूट्यूबर्स आ गए हैं जो आपको कहते हैं कि आपने जो चार महीने लगा के पूरी क्लास से पढ़ना है आप मेरा एक घंटे का ये लेक्चर देखें एंड यू विल लर्न एवरी ये स्पैन ऑफ अटेंशन ये नए ने जो नए नए मोड ऑफ टीचिंग है इस इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो क्या हो रहा है अच्छा है ठीक है या यही तरीके हैं आप मॉडर्न लर्न देखिए इसको ना मैं अच्छे बुरे के पैमाने पे दुनिया की कोई चीज भी नहीं देखता अच्छे बुरे का पैमाना कोई नहीं है जी वो चीज़ जो आपका परपज सर्व कर देती है ना वो अच्छी है अटेंशन स्पैन लोगों का अब नहीं कम हुआ इससे पहले भी था जब मैं कोई किताब उठाता हूँ अगर उसके पहले एक दो सफ़े मुझे इम्प्रेस नहीं करते तो बाकी किताब में कोई नहीं पढ़ता मुझे उसकी कोई चीज क्लिक करती है तो मैं आगे चल पड़ता हूँ शायरी की किताब उठा लें आप शेर पढ़ना शुरू करते हैं अगर एक आध सफ़ा वे लगा इम्प्रेसिव नहीं है ना तो फिर कोई नहीं पढ़ते लोग right. अब भी यही है आप तो बारह मिनट कहती है ना अब लोगों का अटेंशन स्पैन मुझे लगता है कि एक डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं है वो यू री, दीज़ार नो वो खोलते हैं अगर एक दो लाइन लाइनेसिव नहीं है ना पहले तो अगला hmm. उससे अगला yes. ये चेंज आई है लेकिन अब इस चेंज को बुरा कहने अच्छा कहने जो दिल करता है लेकिन ये है ये एग्जिस्ट करती है और ऐसे ही इसने चलना है अब मेरे पास ये गुंजाइश नहीं रही कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो सुनने वाले से रेलीवेंट ना हो बिल्कुल जो टीचिंग में ना लोग कहते हैं ना जी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो सौ लोगों की क्लास है तो दस लोग आए होते हैं पता नहीं वो भी क्या अपना वो ऑन करके क्या कर रहे होते हैं बिल्कुल अगर आपकी बात उनको पाबंद नहीं करेगी ना कि वो बैठे तो आप उनको फोर्सफुली नहीं बैठा सकते ये इसने टीच ऑनलाइन टीचिंग में ख़ास पे इसको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कर दिया फेस फेस टू में यह था मेरे मुझे तब भी पता नहीं था कोई मेरी बात सुनता है कि नहीं सामने बैठा हुआ है फिजिकली मेरी बात सुन रहे हैं ये नहीं मुझे पता लेकिन एटलीस्ट उनको फिजिकली मौजूद रहना पड़ता था एक दफा आ गए हैं तो कर में उठ के कोई नहीं जा सकते बोर हो रहे हैं तो अपनी कोई और चीज निकाल के करते रहेंगे मेरी बात नहीं सुनेंगे ऑनलाइन में उसको ये फैसिलिटी है माइक ऑफ किया कैमरा ऑफ किया जो दिखा करो लेकिन वो नहीं जाएगा जी मैंने देखा है जब उसको आपकी बात में वजन नजर आता है आपकी बात को अट्रैक्ट करती है आप जरा सी देर के लिए टॉपिक से हटते हैं वो क्लास से हट जाते हैं सो ये इतना बड़ा चैलेंज है मेरे लिए अच्छा जब मैं अपने आप को फोकस करता हूँ ना जी तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की ना ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वाली बिल्कुल आपका स्टाफ इतना होता नहीं जो बात मैं लंबी करके 20 मिनट में कर रहा होता हूँ अगर मैं उसको फोकस करके दुरुस्त तरीके से करूँ तो शायद एक डेढ़ मिनट की होती है बाकी टाइम तो मैं उसको रिट्रीट करने में खर्च करता हूँ तो इसलिए कोई टीचिंग और और ये, ये अच्छा कम और बेहतरीन से मुझे एक और अब सवाल आपके सामने जो आ रहा है वो ये जो हम लोग पहले भी रिकॉर्डिंग से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि अब एक हवा निकली है एक बात निकली हुई है कि जो ये जो दो दो साल प्रोग्राम चार साल डिग्री प्रोग्राम आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है अब आप कुछ स्किल सीखिए और उसके बाद आपको बेहतरीन किस कहीं ना कहीं जो है आपको जॉब मिल जाएगी और आप उसमें लीडिंग जो इस वक्त इंस्टीट्यूशंस हैं इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं नाम नहीं ले सकते उनका उन्होंने भी ये काम स्टार्ट किया है कि हमारे पास ये ये रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप ये कोर्सेस कंप्लीट करते हैं तो आप हमारे पास आ जाएं हम आपको जॉब दे देंगे yeah. और स्टूडेंट इस बात को दे आर बाइंग दैट आर्ग्यूमेंट के हाँ हमने चार सालों डिग्री प्रोग्राम नहीं करना फॉर्मल एजुकेशन नहीं करनी हम कुछ कोर्सेस करते हैं हम माइक्रोकेंश करते हैं डी एंड पे डिग्री मिलती है नहीं मिलती स्किल है हमें जॉब मिल जाएगी आप इस ट्रेंड को किस नज़र से देख रहे हैं ये दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जी एक जिसकी आप बात कर रहे हैं ना ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आप दुनिया में बहुत सारे इदारे हैं जो आपसे डिक्लेर्डली कहते हैं कि हमें डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल और उससे हम लोगों ने यह मतलब निकाला कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो है अब ये तो ख़त्म होने वाली है अगला दौर जो है वो तो शॉर्ट सर्टिफिकेट्स का है और नौकरी इससे अच्छी मिलेगी ख़ासतौर पर जो आपके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना इनको अभी क्योंकि आजकल इसका वो है ज़रूरत है बहुत सारी तो उनको ये लगता है यार ये क्या मैं बी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ ये क्या काम होता है मैं एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट करता हूँ और मुझे कल को जॉब मिले मिल भी जाती है अब मैं इसको यूं देखता हूँ कि देखिए उन लोगों को एक वर्क फोर्स चाहिए जो लोअर लेवल पे काम करे और स्किल्ड हो और उनको ये जरूरत नहीं है कि वो पूरे चेन को समझती हो उनको ये जरूरत है कि वो जिस स्पॉट पर उसको खड़ा करना है ना काम वो काम उसको उसको वो काम वो उतना सा मैंने लत से कि यहाँ एक पेन लगानी है तो मुझे वो पेन लगानी आती हो एंड आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट anything एल्स उनको भी कोई एम्प्लॉयर को भी नहीं है ये बिल्कुल हमारे जैसे अनएम्प्लॉयड कंट्री में जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है यूथ में और यूथ अपने नंबर में भी बहुत ज्यादा है सो so, वहाँ पे ये बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है करने में विद एन अंडरस्टैंडिंग कि ये कैरियर्स नहीं है ये डिवेलपमेंट नहीं है ये एक स्किल्ड वर्क फोर्स है जैसे पहले लेबर होती थी, थी उसी तरह की एक लेबर है उन मुल्कों में जो ये प्रमोट करते हैं उनको एक सस्ती लेबर चाहिए जो यहाँ से मिल जाएगी हमें भी ठीक है कि यार अनएम्प्लॉयड है चलो फ्री लांसिंग करेंगे जो पैसे आ जाएंगे खुशहाली होगी ये अंडरग्रेड एजुकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है बिल्कुल आपको जहाँ पे भी सब्जेक्ट की डेवलपमेंट जहाँ पे भी प्लानिंग की जरूरत पड़नी है जो पॉलिसी है फर्दर आने वाले वक्त में वो अब भी वही लोग कर सकते हैं जो उस सब्जेक्ट के प्रॉपरली पढ़े हुए लोग हैं उन मुल्कों में भी और हमारे मुल्कों में भी बिल्कुल सो so इसलिए हमें इस ये अंडरग्रेड की रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं अगर आप डिपार्टमेंटल वाइज बात करो ना जी ये वो सारा टास्क है जो हमारे ये जो टेक्निकल एजुकेशन है ना जी इसको हैंडल करना चाहिए यूनिवर्सिटीज को इसमें जाने की शायद ज़रूरत नहीं है ये उनका उनका डोमेन है वो लोगों को ये सिखाएं और उनकी इम्प्लॉबिलिटी बढ़ाएं यूनिवर्सिटीज़ को अब भी अंडरग्रेड प्रोग्राम्स को डेवलप करना चाहिए उनको रेलेवेंट बनाना चाहिए और आने वाले वक्त की ज़रूरत के हिसाब से रीडिज़ाइन करना चाहिए बिल्कुल सर और इसमें एक और अगर मैं पॉइंट ऐड कर दूँ जो हमारे स्टूडेंट्स आके कर यही बात कर रहे होते हैं बस इसके अगर फॉर्मल एजुकेशन इतनी ही रेलिवेंट होती जा रही है तो वैन यू आर अप्लाइंग फ़ॉर अ वीज़ा और अपने किसी भी आप शो कर रहे होते हैं स्किल अपने आप को so uh, तो वाई एजुकेशन जो आपने बिल्कुल जो जो है वो हासिल की है इट मीन कि वो भी इसको वैल्यू करते हैं हमारे अपने मसायल हैं जी लेकिन आप देखें यूरोप है ये जो बड़ी इंटरनेशनल मल्टीशनल कंपनीज है बिल्कि मौज लगी हुई है बिल्कुल आप एक बच्चे को जी सोलह साल पढ़ाते हैं वो सोलह साल पढ़ के उसने भारत को सेंस डिवेलप की होती है और उसके बाद आप एक तीन महीने के सर्टिफिकेट पे आपको एक लोअर जॉब के लिए एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी मिल जाता है जो आपको अपने मुल्क में कभी नहीं मिलेगा स्पेसिफिक जिसने तो, उस डिसिप्लिन को इन डेप्थ स्टडी किया है, चार साल लगा के उसमें तो, उसके अंदर उस एरिया के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन उनकी भी मौज है और हमारी भी मौज है है क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है देने के लिए उनके पास लेबर नहीं है चलें सर इसी इसी तरह इसी गैप से जो है ना वो दुनिया चल रही है अच्छा हमारा जो डिस्कशन जो प्लस लास्ट फेज़ में आ गई है उसमें हमने कहा था कि हमने बहुत ज़्यादा बात करनी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बिकॉज ये अब बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन आ, आ गई है ए टूल्स अगर मैं आ, एक आ, रिपोर्ट आपसे मैं शेयर करूँ तो पिछले चंद एक माह में तकरीबन चार हज़ार ए टूल्स लॉन्च हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इन द फील्ड ऑफ यू नो एजुकेशन अब ये uh, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है आपको जिस तरह आपने भी कहा कि असटेंस एक, एक मिल गई है आप अपना काम अपने ऑपरेशंस को आपने स्मार्ट कर लिया है एक नई डिबेट जो खुली है इस ए आई टूल्स की वजह से या ऑगमेंटन रियलिटी या वर्चुअल रियालिटी जो चीज़ें आ रही हैं वो ये चीज़ आ रही है कि क्या ये हमारी एनालिटिकल एबिलिटी की रिप्लेसमेंट आ गई है जिस तरह अभी आप भी शेयर कर रहे थे कि आई गेस इट्स हावुड जिन्होंने रोबोट को इंट्रोड्यूस हाँ, कर दिया एज द टीचर तो सबसे पहली बात तो ये कि जो रोबोटिक मोड ऑफ लर्निंग आ गई है ये जो ए आई टूल्स आ गए हैं वर्चुअल रियलिटी है ऑगमेंटेड रियलिटी है इसका अभी आपने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव आप नहीं देखते चले इम्पैक्ट क्या है हाँ. और इन द लॉन्ग रन कि क्या ये हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज को खाना तो नहीं शुरू कर देंगे Uh, नहीं ऐसे नहीं है मेरे ख्याल देखिए आप रोबोटिक्स हो जाए या आपके वो जो ए आई के टूल्स हैं सारे जी बिल्कुल ये आपकी हेल्प के लिए बने हुए हैं ये आपकी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बने हुए एंड दे नेवर रिप्लेस जो फ्लूडिटी इंसान के दिमाग में है वो उस लेवल की फ्लुडिटी आप कभी भी ए आई टूल में नहीं पैदा कर सकते ए आई टूल हमेशा किसी न किसी डेटा सेट से इंफॉर्मेशन लेके काम करेगा बिल्कुल ऐसे ठीक है उसके अंदर यह गुंजाइश नहीं है कि वो उन चीजों को भी इस्तेमाल कर सके जो अभी मौजूद नहीं है इंसान का जहन ये कर सकता है अच्छा फायदा है कि नुकसान है बहुत फायदा है मेरे नज़दीक ऐसी डेवलपमेंट्स का हमें फायदा यह है कि बहुत सारा डंकी वर्क जो पहले मैं करता था खुद उसकी अब मुझे जरूरत नहीं रही मतलब अभी रिसेंट आपने भी जो पॉइंट आउट किया ना ये चैट जीपीटी वगैरह की बात की हम आजकल रिसर्च में हमें बहुत ज़्यादा डिबेट है यार इसके बाद तो देखो ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर का कोई मतलब ही नहीं रहा कोई भी बंदा जाएगा लिखेगा और वो ये ये बात अपनी जगह दुरुस्त है जी अब अगले दौर की स्किल वाकई ये नहीं है कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करेंगे अगले दौर की स्किल ये है कि आप कौन से प्रॉम्प्ट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सर्च द राइट थिंग राइट आप मशीन से ये पूछना चाहते हैं ना चीज तो आपने उससे किन अल्फाज में पूछनी है आपके और मेरे जहन में एक ही बात हो अपने मैं लिखूंगा और दोनों का रिस्पॉन्स फर्क होगा मैं जितना क्रिस्प और क्लियर प्रॉम्प्ट बना सकता हूँ उतनी टू वो एक लॉजिक है उसके बिहार तो अब जो अगले दौर में रिसर्चर को सिखाना है वो ये सिखाना है रिव्यू करना नहीं सिखाना मैं उसके इतना सारा वक्त खर्च करता हूँ कि वो एक रिव्यू लिखे अगर एक मशीन वो लिख देती है और मुझे पढ़ के लगता है कि सेंसेबल है बिल्कुल तो ठीक है मुझे उसको यूज कर लेना चाहिए आप सिखाने वाली बात बदल गई अच्छा इसके बाद दूसरी चीज जो रिसर्च का ये सारा बैकग्राउंड था सारा ना जी जो मैं रैशनल बनाता हूँ या उसके बाद मैं लिटरेचर लिखता हूँ फिर उसके टूल बनाता हूँ ये अब इसमें से जो जो काम मुझे मशीन कर देती है वो छोड़ देने चाहिए और फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए उन चीजों पे जिनको मैं पहले कम तो दे पाता था अब ज्यादा उससे नेक्स्ट लेवल पे जा सकता एनालिटिकल जो हमारा फोकस है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाना चाहिए बढ़ जाए इसमें ना जी जो अब जो लोगों में डेवलप करने वाली चीज है ना वो हायर ऑर्डर लर्निंग है अच्छा ये फिक्रा हम ना बारहा कहते हैं कहते भी चले आए हैं लेकिन हमने जो इसको एक्चुअली एक एटलीस्ट हमारे यहाँ जिस सेंस में सिखाना था ना वो सिखाया कोई नहीं है हम मतलब मैं आज भी अगर अपने फील्ड में देखूँ तो हम लर्निंग की लेबलिंग गलत कर लेते हैं वो उस लेवल जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं जी लर्निंग में इन्फ्लेशन है वो यही है जिसका आउटकम ये है कि आपने अपने पूरे सिस्टम को उठा लें एक छो, छोटी सी मैट्रिक में बच्चा जब हजार में से नौ सौ नब्बे नंबर लेता है तो आप जब उससे मिलते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट ये होती है तो हज़ार हज़ार में से नंबर हजार हजार भी, हैं। भी लेते हैं। तो आपको ये डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार ये इसमें वो बात नहीं है जो इतने नंबरों वाले बच्चे में होनी चाहिए उसका फॉल्ट नहीं है आपने जिस तरीके से उसको मयर किया आपका मेयरिंग टूल ठीक नहीं था नतीजा तन ये हुआ कि आपने उस पर वो वाले लेबल लगा दिए जो स्किल उसमें है ही नहीं थी आपने लिख के लगा दिया इसमें है तो फॉल्ट आपके टूल का है उसका नहीं है नतीजतन अब ये काम हमें दुरुस्त करना है जी लोअर ऑर्डर लर्निंग पे बहुत तवज्जो की ज़रूरत नहीं है इट डज़ नॉट मीन कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो काम अब आपके लिए मशीन कर देती है इंफॉर्मेशन स्केच कहीं सेलेक्ट करना उसको फेच करके ऑर्गेनाइज करना वो मशीन ने कर दिया उस चीज़ के मीनिंग बनाना उसमें से जो मैंने पहले कहा सेंस डेवलप करना ये अब भी मशीन नहीं कर सकती ये आपने करना और ये स्किल आपको सिखानी चाहिए सो ये कोई फियर की चीज नहीं है जी सपोर्टिव चीज है मतलब आज के दौर में क्या तुक बनता है जी मैथमेटिक्स का को काम बच्चे ने करना और मैं को तुम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते रिग्रेशन आपने हाथ से कैलकुलेट करनी है क्या इसमें क्या एडवांटेज है कि मुझे फॉर्मूले याद हों और मैं सारा कुछ उसमें वैल्यूज इनपुट करूं और फिर सॉल्व करूं जबकि वो एक मशीन मुझे बड़ी आसानी से करके दे सकते हैं तो मुझे ये सिखाइए ना कि उस मशीन को तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है आप मुझे ये क्यों सिखाना चाहते हैं ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आज लोगों से कहना शुरू करूँ कि यार लालटेन की लाइट में जो पढ़ाई होती थी, थी, थी ना उस मेहनत का जवाब नहीं तो आप ऐसा है कि तुमने आज न लालटेन रख के पढ़ा करना है ये लाइटें वाइटें आ गई हैं लेकिन इनको दफ़ा करो इनकी जरूरत नहीं है ये बिल्कुल ऐसे ही मैं चाहिए मेरा बिहेवियर अगर ऐसा हो तो कैसा लगे ठीक अच्छा इसमें ना सर आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक एग्जांपल आ रही थी शेयर करने के लिए व्हेन आई गो टू द चाइना वफ्त लोगों से बात की तो मैंने उनसे ये कह दिया कहीं कि यू गाइस आर नॉट स्ट्रीट वाइज इफ़ यू आर टॉकिंग विद द पाकिस्तानी पर्सन तो आप देखेंगे कि वो हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है तो उसमें एक ने यही गिला किया कि यू पाकिस्तानी जो आपने लेबलिंग की बात की ना कि हम लर्निंग का लेबलिंग लगा देते हैं तो उन्होंने कहा कि जिस फील्ड के आप मास्टर्स कहलाए जाते हैं ना आपकी उस फील्ड के अंदर भी जो लर्निंग है वो इतनी डीप yeah. नहीं होती है और अगर आप हमें कहते हैं वी नॉट द स्ट्रीट वाइज लेकिन मेरी जिस एक डिसिप्लिन में डिग्री है अगर आप उसके बारे में सवाल करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा दैट इज़ लर्न एंड दैट इज़ वेरी ट्रू अच्छा आपने रिकॉर्डिंग से पहले एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल शेयर की थी वर्चुअल रियलिटी की कि वो और उसका जो इस्तेमाल है आ, इस वक्त हमारे मतलब डिसप्लिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ये जो एक वर्चुअल इन्वामेंट क्रिएट किया जाता है एक ऑगमेंटेड रियलिटी क्रिएट की जाती है इसका जो इम्पेक्ट आता है लर्निंग पे वो क्या होता है देखिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ठीक है वो मसल ये जो क्लासरूम बना लेते हैं ना इसमें बहुत स्पेस है ऐसी चीजों को आसानी समझाने की जिसको मैं कभी भी अपने अल्फाज में नहीं समझा पाता ठीक थी? है पर्टिकुलर मिसाल के तौर पे सादा सी मिसाल लेता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर समझाना हो तो मेरे मुझे पंद्रह मिनट चाहिए ये गुफ्तगू करने में कि ये एक थ्री डायमेंशनल चीज है और अगर आप विजुलाइज करें तो ये ऐसे होगी आप खुद बनाना शुरू कर दो या, उसको या तो मैं उसको ड्रा करना शुरू करूँ जबकि वो टू डायमें अच्छा, तरह की, की, की मिसालें लेता हूं, ताके वो उनके और अगर मैं इसको दिखा सकू थ्री डी किसी मॉडल में तो मेरी वो सारी गुफ्तु एक मिनट में महदूद हो जाती है मेरा वो सारी एनर्जी जो मैं उस काम पे लगाता था वो लेकिन इस सारे ऑगमेंटेड क्लासेस जो है या ये जो वर्चुअल रियलिटीज वाली क्लासरूम्स आप बिल्ड करते हैं इनका प्लॉट तो टीचर नहीं बनाना है ये, ये क्या मैंने सिखाना है उसका सीक्वेंस क्या होगा किसकी सपोर्ट में कौन सा आर्टिफैक्ट चाहिए होगा ये डिसीजन आज भी टीचर के पास है ये रिपोर्ट नहीं कर पाता ये कोई और नहीं करेगा ये आप प्लान करेंगे और नतीजा तनह उसको बेहतर प्रेजेंट करने में ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं ठीक अच्छा यानी हम इसको एज एन अनएबल एज हाँ. फेसिलिटेटर देखें इन को बट नॉट एज रिप्लेसमेंट थिंकिंग नहीं है जी बिल्कुल थिंकिंग डिवाइस भी यही है जो टीचर के नहीं वो आपने जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दी वो यही थी कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं आपको जवाब दे रहे हैं उस इनपुट के ऊपर जो आपने प्रोड्यूस किया ठीक हो गया सर इसमें अब ये जो एआई टूल्स के साथ साथ Uh, जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली अगर मैं वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जो हैं अब इन ए आई टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर uh, 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 जो भी हम उनको असमेंट देते हैं असाइनमेंट्स देते हैं कोई डिस्कशंस वगैरह देते हैं बड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है उसमें अब यही चीज़ हम रिसर्च में भी देख रहे हैं ये जो एथिकल कंसड्रेशन है इन ए आई टूल्स की इन द रिसर्च उसके हवाले से आपकी क्या ओपिनियन में और दूसरी बात यह है कि कुछ अब जो तो रिसर्च जर्नल्स हैं उन्होंने तो बाकायदा कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपने इन रिसोर्स का किसी भी आई टूल का इस्तेमाल किया है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करें एज़ को ऑथर तो क्या स्टूडेंट्स चले हम कहते हैं एट दी ग्रेजुएट लेवल

साल साल पीछे चले जाएं तो जब मैं मैथमेटिक्स में पब्लिकेशन करूं तो कैलकुलेटर को अपना कुथर लिखना चाहिए बिल्कुल <laughs> और उससे भी बहुत पीछे चला जाऊं जिस जमाने में हम वो कलम से लिखा करते थे में, में, तो उस जमाने में अगर मैंने टाइपिंग आ गई थी तो टाइपिंग को अपना को आथर बनाना चाहिए मुझे

मैं कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा रिसर्च में जिससे किसी को हार्म पहुंच सकता हो इसी तरह की बातें ना ये बहुत सारी ये बिल्कुल सिखानी चाहिए ये रिसर्च एथिक्स जो है ये एरिया बहुत वीक है बहुत। हमने नहीं इस पे कभी बात की ढंग से ना हमारे यहाँ कोई रिसर्च एथिक्स कमेटीज पाई जाती हैं जो आपको रिसर्च की अप्रूवल देती हूँ या आपकी रिसर्च को ये इंश्योर करती हूँ कि एथिकली करेक्ट है ये सिखाना चाहिए ठीक इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता जी कभी भी कि लोगों को इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मैं एज ए टीचर खुद इस्तेमाल करता हूँ देखूँ मुझे जब कोई चीज़ लिखनी होती है और मैं समझता हूँ कि इसकी नेचर फैक्चुअल सी है सिर्फ इन्फॉर्मेशन फैच करनी है तो मैं बिल्कुल लिखता हूँ चैट जी में जा उससे मांगता हूँ वो मुझे दे देता है अगला काम क्या है उसकी सारी बातें मानता नहीं पढ़ता हूँ जो मुझे लगता है सेंसिबल है एक इस टागस का इशू बहुत ज्यादा है GTA GPT के अंदर बहुत ज्यादा और ये वही ढूंढ सकता है जिसको अपनी फील्ड की नॉलेज नॉलेज होती है ठीक so, है उसको आप इस्तेमाल कीजिए बिल्कुल एथिकली इस्तेमाल कीजिए और जो अब मुझे ट्रेन क्या करना है मुझे लोगों से अब वो बातें पूछनी है जो उसके बियॉन्ड होती हैं मिसाल के तौर पे देखिए मैं अगर कोई आपको चैट जीपीटी ये तो निकाल देगा कि पाकिस्तान में एजुकेशनल पॉलिसीज कब कब आई उनके मेन फीचर्स क्या थे सही। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूँ ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के ग्रो ना करने में पॉलिसीज का कितना कंट्रीब्यूशन था या पॉलिसीज के कौन से एस्पेक्ट ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो, या ये, काम हाँ, क्या। तो ये बात आपको चैट जीपीटी ठीक नहीं बता सकेगा उसके पास ये कनेक्ट करना और एक साइड वाली इंफॉर्मेशन जो इधर से आनी है उसके पास नहीं है वो सिर्फ किसी न किसी डेटा बैंक से हमेशा फैच करता है बिल्कुल उस बहुत है, उस बहुत सारी बातें डेटा बैंक का पार्ट ना है ना हो सकती है कभी वो दिमाग में है तो मुझे अब अपना जो एजुकेशन की डिमांड्स है ना लोगों से सीखने के जो वो बदलनी चाहिए उनको ज्यादा चैलेंजिंग बनाना चाहिए वो जो हायर ऑर्डर लर्निंग वाली चीजें हैं आजकल बड़ा पॉपुलर है बिल्कुल। है ना तो वो बता भी दें वो, वो कहते हैं जी कलेबोरेशन है क्रिएटिविटी है ऐसे वो कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग है कम्युनिकेशन है ये में ना बहुत सारी को सोलह के करीब है जिनमें से ये चार बहुत ज्यादा कोट की जाती हैं ये बिल्कुल। और बिल्कुल दुरुस्त है कि ये डेवलप करनी चाहिए देखिए मैं किसी को जब आज किसी सब्जेक्ट का जो कॉन्टेंट है वो सारे का सारा नहीं पढ़ा सकता किसी कोर्स में ना पढ़ाने की जरूरत है जो मैं आज पढ़ाऊंगा ये कल वैलिड होगा ये भी मुझे नहीं पता बिल्कुल ये बदल जाएगा तो ऐसी चीज को पढ़ाने पे मुझे क्यों अपनी एनर्जी सर्व करनी चाहिए मैं उनको ये क्यों ना सिखा दूँ कि जो आपकी जिंदगी में कल को प्रॉब्लम पेश आना है

ये अगर आपके अंदर आ गई है ना तो आप आने वाले दौर में जो चेंज हो जाना है फ़ौर उसके अपने मसाइलों ने वो इस कॉन्टेंट से सॉल्व नहीं होने उनको भी आप हल कर लेंगे तो मैं इन पर फोकस कर लूँ बजाय इसके कि मैं उनको ये, वो चीज़ें से कहूं जो कॉन्टेंट बेस्ड है वो अब स्टूडेंट की अपनी जिम्मेदारी है सीखे सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सवाल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं बट वी आर रनिंग टाइम Uh, जो कंक्लूड किया है मैंने आज की डिस्कशन से एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इलामा अकबा ओपन यूनिवर्सिटी हो या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान हो इन द डिस्टिंग मॉड हम एक स्ट्रेटिजिक पार्टनर के तौर पर uh, जो है इस वक्त वो काम कर रहे हैं सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो रिसर्च कल्चर है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है और उसकी प्रमोशन के अंदर uh, जितनी भी इस वक्त एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ है हमने उसको एज एन अनेबलर एज़ अ फैसिलिटेटर जो है उसको अडोप्ट करना है और जितनी जल्दी और बेहतर तरीके से अडॉप्ट करें आ, उतना बेहतर है और तीसरा ये कि अब एक जो नया स्किल सेट रिक्वायर्ड है हमें उसकी तरफ आना है वो टीचर हो वो स्टूडेंट हो वो पॉलिसी मेकर्स हों हमें उन नए स्किल सेट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है स्पेशली इन द कॉन्टेक्स ऑफ पाकिस्तान और आ, सबसे अहम बात वो ये कि जो रिसर्च आउटपुट है वो आउटपुट हमारे इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहा हो उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो और उसमें ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ uh, का पॉलिसी मेकर्स का गवर्नमेंट का स्टूडेंट का टीचर्स का एक पूरा इको सिस्टम है वो पूरा इन्वॉल्व होगा तो इनशाला हम इस uh, एक पूरी हमारी जो एक uh, हम अभी बात कर रहे थे कि रिसर्च में हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं तो वो डायरेक्शन दुरुस्त होगी तो इन हम भी uh, बाकी इकोनॉमीज़ uh, की तरह एक इनोवेटिव बेस इनोवेशन बेस इकॉनमी जो है वो बन जाएंगे इन सर एट द एंड कोई ऐसी ज़रूरी बात जो आपको लगता है आप मैसेज देना चाहें तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपका रिसर्च मेथड्स एंड एजुकेशन को पढ़ने लगे हैं तकरीबन जी सारी बातें तो हो गई हैं और आपने बड़ा अच्छा साम भी उसको कर दिया uh, स्टूडेंट्स सिर्फ यही है जी कि जो मैंने दरमियान में एक दफ़ा तो पहले व्यर्स किया था पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है बिल्कुल और आप जितना सीखना चाहें उसके लिए टीचर हो इदारा हो माशरा हो वो आपको फैसिलिटेट कर सकता है लेकिन ये जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगे तो आप आप आगे चल पाएंगे और दूसरा जो आने वाला जमाना है जी वो बहुत चैलेंजिंग है आज का दौर भी बहुत चैलेंजिंग है अब जो चीज़ सरवाइव करेगी ना वो किसी शख्स की एबिलिटी टू चेंज है हाँ, the... no बिल्कुल. अब जो जमाना है ना जी आप कितनी तेजी से आप नई चीजों के साथ एडजस्ट होना होना सीख लेते हैं आप उतने सक्सेसफुल हो जाएंगे सो चेंज so, को एम्ब्रेस करने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ये एक बड़ा ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है जी अगर स्टूडेंट ये समझता है कि मैंने एक दफ़ा डिग्री ले ली और बस सारी जिंदगी गुजर जाएगी इसके सर पर तो आप नहीं होगा जी सो so, अपने आप को मैंटली इसके लिए तैयार कीजिए अपने आप को टेक्निकली इसके लिए कीजिए पर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और आज का जो सेशन है मैंने जैसे आपसे पहले कहा था बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है डॉक्टर नास महमूद ने बहुत अहम मौजूद पर हमसे बात की uh, मुख्तफ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि किसी भी इकॉनमी की परफॉर्मेंस को बता रहे होते हैं सो so, अगर ऑनटरपिनोरील uh, इंडक्स को हम देखें तो उसके चार अहम पिलर्स में वो जो एको सिस्टम बेक मैया कर रहा होता है uh, तो उसमें जो पाकिस्तान हमेशा एक पॉइंट uh, से रह जाता है वो पाकिस्तान की रिसर्च और इनोवेटिव एबिलिटी है एज ए नेशन तो मुझे ये लगता है कि जो रिसर्च स्किल्स हैं उन्हीं को सिखाने की जरूरत है बिकॉज डे एंड के ऊपर अगर आप इनोवेट करना चाहते हैं अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं अगर अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ को कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो ऑबियसली जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो आपका रिसर्च है आई एम एनप्रटी श्योर ये जो कोर्स सर ने रिकॉर्ड करवाया है आपके लिए हम के, हमारे लिए सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एस